मेरे सारे भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम और राम राम। भाइयों, जो भाई पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भारी मात्रा में शेयर कीजिए। मैं वीडियो आप लोगों की जानकारी के लिए, भर्ती की जानकारी के लिए बहुत ही बढ़िया वीडियो अपलोड करता हूँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भारी मात्रा में शेयर कीजिए। भाई, बहुत सारे भाइयों ने मुझे कमेंट में पूछ रहे थे, सर CRPF पैरामेडिकल का एग्जाम कब होगा बता दीजिए। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ एक बात, हमारे ज़माने से पहले इतना टाइम भर्ती में नहीं लगता था, 1 साल 1.5 साल या 6 महीना 8 महीना, करीब 1 साल के अंदर ही भर्ती हो जाता था। अभी देखिए दोस्तों, पहले उस ज़माने में इतना कैंडिडेट्स भी भर्ती के लिए भी आते नहीं, आजकल कैंडिडेट की बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं आजकल कैंडिडेट भर्ती होने के लिए। दूसरा बात है, देखिए दोस्तों, उस समय ना ही कोरोना की कोई प्रॉब्लम्स था, पर जब इलेक्शन होता था उस समय भर्ती के लिए कोई प्रॉब्लम्स होता था, भर्ती वगैरह थोड़ा बहुत बंद हो जाता था 1 महीना 1.5 महीने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो मैं वही बात है, अभी जो कुछ राज्यों में इलेक्शन होने वाला है, जिसके चलते 1-2 महीना आपको बाद में आप लोग का रिटन टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। फरवरी मार्च में इलेक्शन खत्म होने के बाद आप लोग का CRPF पैरामेडिकल का एग्जाम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोग बढ़िया से तैयारी करके रखिए। CRPF पैरामेडिकल का एग्जाम फिर से बता देता हूँ, जो इलेक्शन खत्म होने के बाद फिर आप लोग का पैरामेडिकल एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हो फौज को उसके इलेक्शन में बिजी रहना पड़ता है, जिसके वजह से आपका एग्जाम नहीं हो पाता। और क्योंकि दूसरा बात है, जो एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह होने के लिए बड़ा दिक्कत होता है, ठीक है, तो इसके लिए इसके चलते तो आप लोग का एग्जाम इलेक्शंस के बाद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चले दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।